नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारियों पर जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने कहा, सभी वार्डों में बीएलओ द्वारा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के सहयोग से नाम बढ़ाने का चल रहा है कार्य। 18 नवंबर तक मतदाता सूची की फाइनल सूची को किया जाएगा जारी। गोरखपुर के राजघाट थाने में बैरक की छत से गिरकर सिपाही अभिषेक कुमार सिंह की हुई मौत। साथ ही सिपाहियों ने भिजवाया हॉस्पिटल, डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। एडीजी, डीआईजी व एसएसपी ने घटनास्थल का किया निरीक्षण। कहा, शव को कब्जे में लेकर भेजा गया है पोस्टमार्टम के लिए, रिपोर्ट आने के बाद की जाएगी आगे की कार्यवाही। डेंगू के मरीजों की जनपद में लगातार बढ़ रही है संख्या। अभी तक कुल मिले 123 डेंगू के मरीज। सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, एलाइजा टेस्ट पॉजिटिव होने से होता है डेंगू, नहीं है प्लेटलेट्स कम होना या ज्यादा होना डेंगू का लक्षण। मच्छर के काटने से बचे, करें मच्छरदानी का प्रयोग, पहने फुल आस्तीन का कपड़ा। नवंबर को आयोजित होने वाले मेगा लीगल कैंप की तैयारियों को लेकर सीडीओ संजय कुमार मीणा ने अधिकारियों के साथ की बैठक। कहा, 8 नवंबर को कोई भी नागरिक प्रेक्षागृह में आकर रजिस्ट्रेशन करवाकर शासन की योजनाओं का ले सकता है लाभ। इस साल काला नमक धान के बम्पर पैदावार होने के हैं आसार। कम ग्लूकोज के कारण मधुमेह के रोगी भी भरपेट खा सकते हैं काला नमक चावल। भौगोलिक सूचकांक वाले 11 जिलों में 70,000 हेक्टेयर रकबे में हुई है काला नमक की खेती। किसानों की आय इस वर्ष 3 गुनी तक होने की है उम्मीद। दीवानी न्यायालय परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आईएमए के सहयोग से आयोजित तो फ्री हेल्थ कैंप का जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी ने फीता काट कर किया शुभारंभ। करवाया खुद का हेल्थ चेकअप। कहा, समय पर हेल्थ चेकअप करवा कर रह सकते हैं स्वस्थ। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश की अध्यक्षता में जिला उद्योग बंधु की समीक्षा बैठक हुई संपन्न। उद्यमियों की समस्याओं को गुणवत्ता युक्त समयबद्ध ढंग से निस्तारण सुनिश्चित करने को संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश। एडीजी जोन अखिल कुमार ने यातायात पुलिस द्वारा आयोजित जागरूकता बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर यातायात माह का किया शुभारंभ। कहा, यातायात माह में यातायात पुलिस आम जनता को यातायात नियमों के बारे में करे जागरूक। डेंगू के डंक ने मलेरिया, फाइलेरिया और कालाजार को छोड़ा पीछे। जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में बने डेंगू वार्ड का जिला अस्पताल के एसआईसी ने किया निरीक्षण। कहा, पर्याप्त मात्रा में दवाइयां, बेड, मच्छरदानी, स्पेशल डॉक्टर हैं उपलब्ध, बढ़ाई गई है बेडों की संख्या। स्वर्गीय कांता प्रसाद राय की स्मृति में जिला वॉलीबॉल चैंपियनशिप का किया गया आयोजन। जिला चैंपियनशिप में जनपद के प्रतिभागी खिलाड़ियों में से ही जिला टीम में होंगे सेलेक्ट खिलाड़ी, जो मऊ में होने वाले स्टेट वॉलीबॉल चैंपियनशिप में करेंगे प्रतिभाग। अब खबरें विस्तार से। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने स्थानीय निकाय चुनाव पर कहा कि नगर निगम व नगर पंचायत के जितने भी वार्ड हैं वहां पर बीएलओ द्वारा नाम बढ़ाने का कार्य चल रहा है। लोगों से आपत्ति व सुझाव लिया जा रहा है, इसके लिए फार्म को जारी किया गया है। सभी वार्डों के चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी अपने वार्डों का फार्म भरवा कर जमा कर रहे हैं। 18 नवंबर तक मतदाता सूची जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा, कहीं पर भी किसी प्रकार की समस्या नहीं है। सभी एसडीएम अपने अपने क्षेत्रों पर लगातार निगरानी करके कार्य को करवा रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने कहा, ये अभी अराउंड जितने भी नगर निगम के वार्ड्स हैं और जो नगर पंचायत है वहाँ पे एज पर शेड्यूल अभी रोल रिवीजन का काम चल रहा है। 1 से 7 आपत्ति सुझाव का समय है। तो जो ड्राफ्ट है पब्लिश किया गया है, तो जिनकी भी जो भी दावे होंगे, आपत्ति होंगे, इन 7 दिन में हम लोग टेकअप करके फाइनल ड्राफ्ट हम लोग 18 नवंबर को हम लोग पब्लिश कर देंगे फाइनल। कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की समस्या नहीं है। जो हमारे लेवल से जो हमारे यहाँ कार्रवाई होना है वो सभी ऑन टाइम है, वो हम लोग करा देंगे।
गोरखपुर के राजघाट थाने पर तैनात सिपाही अभिषेक कुमार सिंह की दो मंजिला बैरक की छत से गिरकर मौत हो गई। साथ ही पुलिस कर्मियों ने सिपाही को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं घटना की सूचना पर मौके पर पहुंचे एडीजी जोन अखिल कुमार, एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने सिपाही के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जिसके संबंध में एडीजी जोन अखिल कुमार ने बताया कि मृतक सिपाही की पहचान अभिषेक सिंह पुत्र अखिलेश्वर सिंह निवासी बसडीहा बलिया के रूप में हुई है, जो कि गोरखपुर में पुलिस कांस्टेबल के पद पर तैनात थे। वह 2021 बैच के कांस्टेबल थे। वर्तमान में उनकी तैनाती राजघाट थाने के बसंतपुर चौकी पर थी। यहां पर वह पिछले 10 महीने से तैनात थे। हमेशा की तरह सोमवार की रात भी अभिषेक थाने की बैरक के द्वितीय तल पर सोए थे। मंगलवार की भोर में उनका शरीर असंतुलित हो गया और द्वितीय तल से नीचे गिर गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उनकी मौत हो गई। अभिषेक की अभी शादी नहीं हुई थी। अभिषेक की मौत की खबर उनके परिवार के लोगों को दे दी गई है। पुलिस परिवारजनों के गोरखपुर पहुंचने का इंतजार कर रही है। अभिषेक के पिता किसान हैं। गांव पर अभिषेक का एक भाई और एक बहन पिता के साथ रहती हैं। उन्होंने कहा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर और एडीजी जोन अखिल कुमार ने कहा, पूरा ले लिया। देखिए, आज सुबह 6:30 बजे एक सूचना प्राप्त हुई कि थाना राजघाट परिसर में बैक साइड में अभिषेक सिंह नामक आरक्षी, जो कि मूलतः बलिया के रहने वाले हैं और 21 बैच के आरक्षी हैं, वो यहाँ पर गिरे पड़े हैं। उनको तत्काल हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया,
जहां पर डॉक्टर द्वारा उनको मृत घोषित कर दिया गया है। घटनास्थली का निरीक्षण मेरे और सभी अधिकारियों द्वारा किया गया है। परिजनों को इस संबंध में सूचित कर दिया गया है। जो मौके के साक्ष्य हैं उसको एकत्रित किया जा रहा है और साथ ही साथ पंचनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई जा रही है, जिसके आधार पर आगे की जांच हुई की जाएगी। देखिए, आज सुबह करीब 6 बजे के आसपास जो यहाँ खाना बनाता है हमारा फॉलोअर, उसने देखा कि अपनी खिड़की से पीछे की तरफ में जो हमारे कांस्टेबल है अभिषेक सिंह, ये गिरे पड़े थे और ये सूचना उन्होंने फिर अन्य अधिकारियों को यहाँ दी है। उन्होंने मौके पर जाके उसे उठाया है, दिखाया है, अस्पताल ले गए हैं जहाँ उन्हें मृत घोषित किया गया है। अभिषेक रात को ड्यूटी पे थे, करीब 3:30 बजे ड्यूटी से रात्रि गश्त से वापस आए हैं और उसके बाद फ्रेश हुए हैं और सोने गए हैं। अब करीब 4:30 के आसपास से और 6 के बीच मध्य ये घटना है जिसके विषय में हम लोग छानबीन कर रहे हैं। ऐसा प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है कि छत पे से ये गिरना प्रतीत हो रहा है। अब हम इस पूरी चीज़ों को छानबीन हम लोग और कर रहे हैं कि किन परिस्थितियों में वो ऊपर गया, बाकी लोगों से बातचीत कर रहे हैं। परंतु अभी एक दुखद घटना हुई है और हम लोग पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेजी है, परिजनों को खबर कर रहे हैं, बाकी पुलिस अपने स्तर से इसकी छानबीन कर रही है। जनपद में डेंगू के मरीज हमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। डेंगू के मरीज शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ही गांव में भी बढ़ रहे हैं, जिनका जिला चिकित्सालय में इलाज चल रहा है। जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि जनपद में डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। डेंगू के मरीज के इलाज के लिए बड़े डॉक्टरों की टीम, डेंगू वार्ड, मलेरिया इंस्पेक्टर आदि की तैनाती की गई है, जो लोगों के घरों में जाकर गमलों, कबाड़, फ्रिज और सामानों को चेक कर रहे हैं तथा डेंगू वाले स्थानों पर फॉगिंग भी कराई जा रही है। जनवरी से लेकर अक्टूबर तक डेंगू के 123 मरीज मिले हैं। बारिश होने के कारण डेंगू के मरीजों में इजाफा हुआ है। अभी तक कुल 123 डेंगू के मरीज मिले हैं। पिछले माह में सबसे अधिक 78 डेंगू के मरीज मिले हैं। इतने मरीजों के निकलने के बावजूद भी हमारे वहाँ कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। हर घर में जहाँ पर गमले, कबाड़ और रेफ्रिजरेटर हैं, उनके पानी में लार्वा के लक्षण मिल रहे हैं। निगरानी समितियाँ 1400 स्थानों पर काम कर रही है। प्लेटलेट कभी भी डेंगू का कोई लक्षण नहीं रहा है। प्लेटलेट्स कम होना या ज़्यादा होना डेंगू का लक्षण नहीं है। जब एलाइजा टेस्ट पॉजिटिव होता है तभी डेंगू होता है। मच्छर के काटने से बचना चाहिए, मच्छरदानी का प्रयोग करें, फुलास्तीन का कपड़ा पहने। उन्होंने कहा कि जिला अस्पताल में 22 मरीज भर्ती हैं जिनका इलाज चल रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, इधर जब से असमय बारिश हुई थी और बारिश के बाद जब बाढ़ आई और उसके बाद जो है पानी का जमाव हुआ, तो डेंगू के मरीजों में यकायक काफ़ी बढ़ा हुआ। जैसे कि पिछले महीने तक जो है हम लोगों के पास सितंबर तक केवल 45 केस थे और इस तरह में हमारे पास कुल 123 केसेस निकल चुके हैं और वर्तमान समय में 22 मरीज का उपचार चल रहा है जिला अस्पताल में भर्ती करके। एक्टिव मरीज 22 मरीज हैं। तो पानी की वजह से जो जल जमाव हुआ, जल जमाव की वजह से मच्छर के लार्वा काफ़ी पनपे और बाढ़ और बारिश को देखते हुए लोगों ने संभवतः सावधानियां कम बरती, जिसके कारण जो है डेंगू ने अपना ये बृहद रूप ले लिया। लेकिन वर्तमान समय में हमारे फाइलेरिया और मलेरिया के जितने भी इंस्पेक्टर हैं उनके नेतृत्व में गांव-गांव में, क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में दौड़ करके प्रचार प्रसार कर रहे हैं लार्विसाइडल के लिए, मच्छरों से बचाव के तथा उनके यहाँ सोर्स रिडक्शन की कार्यवाही कराई जा रही है। इसके अतिरिक्त नगर निगम की 25 टीमें शहरी क्षेत्रों में अलग अलग जोन में जा कर के जहाँ पर केसेस ज़्यादा निकल रहे हैं उनको वहाँ पर फॉगिंग, एंटी लार्वल का छिड़काव तथा लोगों को सलाह दी जा रही है। इसके साथ साथ जो है लगभग प्रतिदिन जो है हम लोग जो है 10 से 15 लोगों को नोटिस इशू कर रहे हैं और 1.5 से 2,000 घरों में सोर्स रिडक्शन की भी कार्यवाही की जा रही है। लोगों को स्वस्थ जीवन शैली के उपाय बताए जा रहे हैं, मच्छर से बचने के उपाय बताए जा रहे हैं, मच्छर में सोने के लिए प्रेरित किया जा रहा है और जो घरों में मच्छर जहाँ पर पनपते हैं उन कबाड़ों को हटाने के लिए, टायर ट्यूब्स को हटाने के लिए, पानी की ट्रे, गमले, उसको साफ़ सफाई के संदेश दिए जा रहे हैं। लेकिन अब स्थिति कंट्रोल में है और मुझे उम्मीद है कि विगत अगले एक सप्ताह में रहेगी। लेकिन हमारे पास आवश्यक औषधियाँ
और जितने जांच की किट हैं सभी उपलब्ध हैं। एलाइजा टेस्ट जिला अस्पताल में भी हमारे हो रहा है और इसके साथ साथ जो है हम लोगों ने अपनी आशाओं को, अपनी CHO को भी अलर्ट कर दिया है, उनको ORS के पैकेट्स और पैरास्टामॉल की टैबलेट्स दे दी गई है कि बुखार के अगर कहीं कोई मरीज़ मिलते हैं तो आप उसको पैरास्टामॉल टैबलेट दे दें, ORS के पैकेट्स दे दें कि पानी पिए। साथ साथ जो है अपनी निगरानी समितियों को क्रियाशील किया गया है, RRT टीम को भी किया गया है कि बुखार के मरीज़ यहाँ जहाँ मिले उनका तत्काल परीक्षण करें। 108 से अलर्ट कर दिया गया है कि भर्ती किए जाएं। सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को कहा, निर्देशित किया गया है कि यहाँ पर अपने यहाँ मरीज़ भर्ती करें, गंभीरता की स्थिति में ही जिला अस्पताल उनको रेफ़र किया जाए। तो मुझे उम्मीद है कि अगले सप्ताह से डेंगू कम होना शुरू हो जाएगा। CDO संजय कुमार मीना ने 8 नवंबर को आयोजित होने वाले मेगा लीगल कैंप की तैयारियों को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसके संबंध में CDO संजय कुमार मीना ने बताया कि जनपद में 8 नवंबर को मेगा लीगल कैंप का आयोजन किया जाएगा, जिसके संबंध में सभी विभागों को निर्देशित किया गया है कि शासन के द्वारा चल रही योजनाओं का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार किया जाए। हमारा प्रयास है कि जनपद के सभी लाभार्थियों को योजना का लाभ मिले, जिसको देखते हुए तहसील स्तर पर 6 नवंबर को फ्री मेगा कैंप आयोजित किया जा रहा है, जिनमें सभी विभाग अपने अपने विभाग का स्टॉल लगाएंगे और लोगों को योजना के बारे में बताएंगे। यदि कोई लाभार्थी योजना का लाभ लेना चाहता है तो वह वहीं पर रजिस्ट्रेशन करा सकता है। उसके बाद भी यदि कोई लाभार्थी वंचित रह जाता है तो 8 नवंबर को प्रेक्षागृह में आकर योजना का लाभ उठा सकता है। इसके अलावा 12 नवंबर को जनपद के सभी न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी SDM को निर्देशित किया गया है कि वह ज्यादा से ज्यादा मामलों का निस्तारण करें। इस अवसर पर ADM सिटी विनित कुमार सिंह, CRO सुशील कुमार गौड़, SDM सहजनवा सुरेश राय, SDM खजनी सिद्धार्थ पाठक, चौरी चौरा तहसीलदार नीलम तिवारी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीय सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CDO संजय कुमार मीना ने कहा, आपके यहाँ से देख लीजिए, आप आपके राशन कार्ड शुरू कर सकते हैं और कोई स्कीम इसके अलावा वहाँ के लोकल स्टाफ को
बोलिए और वहाँ पे विजिट करिए, वहाँ के लोगों को वहीं पर लाभ प्रदान करिए, अपनी स्कूलों का प्रचार प्रसार तहसीलों में भी लोग नोट करिए। ऐसा नहीं तहसीलों का कार्यक्रम आपने नेगलेक्ट कर दिया, उसको नेगलेक्ट नहीं करना है। आप जितना बड़ा कार्यक्रम हमारा जिले पे मेगा लीगल कैंप का होगा उसी तरह का अपेक्षा कर रहे हैं कि तहसीलों में भी होगा और तहसीलों में भी उसी स्तर पर सभी लोगों को सभी सरकारी योजनाओं सरकारी स्कीमों से खेल प्रदान की स्कीमों से जागरूक किया जाएगा और उसको लाभान्वित किया जाएगा। हाँ नहीं वो फिर देखिए ऐसा नहीं है कि जो हमारे लीगल कैंप था उसमें राष्ट्रीय लोग अलग ट्वेल्व फोर दिए, अगर आपने यहाँ डिस्पोज कर दिया तो वहाँ काउंट नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं। अगर मान लीजिए कुछ आपने आधा जो आपके एप्लीकेशन से उनको डिस्पोज ऑफ 8 तारीख को कर दिया तो भी वो ट्वेल्थ में काउंट होगा, ठीक है। तो ये आप पेंडिंग मत रखिएगा कि हम ट्वेल्थ को जाके ये सारा काम करें, आपके पास अगर एप्लीकेशन आ जाती है तो आपको विद इन टाइम उसको डिस्पोज करिए, वो ऑलरेडी उस पर्टिकुलर डे में काउंट हो जाएगा, ठीक है। आज जो बैठक आयोजित की गई है उसका मेन उद्देश्य जो 8 तारीख को लीगल कैंप मेगा लीगल कैंप आयोजित किया जा रहा है उसके संबंध में सभी विभागों को और जो हमारे 12 तारीख को राष्ट्रीय लोक अदालत है उसके संबंध में आयोजित की गई है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो भी हमारी स्कीम्स है जो भी हमारी योजनाएँ हैं उसको जन जागरूकता उसकी हो सबसे पहले तो, और उसको हम लास्ट हमारा जो टारगेट है कि हर एक लाभार्थी तक हमारी सारी योजनाएं पहुंचे उसके संबंध में है, जिसमें तहसील स्तर पे हम लोग पहले प्री मेगा लीगल कैंप आयोजित कर रहे हैं, 6 तारीख तक वो हमारे सारे तहसीलों में लग जाएंगे, जिसमें सभी विभाग अपना अपना स्टॉल वहाँ लगाएंगे और जो भी हमारी लाभार्थी परक योजना है उनके बारे में वहाँ अवेयर करेंगे, और कोई भी अगर लाभार्थी वहाँ उस योजना का लाभ उठाना चाहता है तो अपना रजिस्ट्रेशन भी करा सकता है। उसके उपरांत 8 तारीख को प्रेक्षागृह में मेगा लीगल कैंप का आयोजन कराया जाएगा, जिसमें पुनः अगर कोई लाभार्थी वंचित रह जाता है तहसील स्तर पर नहीं पहुँच पाया तो वो अपना वहाँ पर आकर उस पर्टिकुलर योजना का लाभ उठा सकता है। और इसी प्रकार जो हमारी 12 तारीख को राष्ट्रीय लोक अदालत है उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा केसेस को डिस्पोजल करना है, जिसमें सभी हमारे SDM साहबान हमारे BDO साहबान और अन्य अधिकारी जो भी इसमें ज़रूरी हैं उन सभी को दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिससे गोरखपुर में मैक्सिमम जितने हमारे केस हैं वो डिस्पोज हो सके। सरकार से मिले प्रोत्साहन के चलते बुआई का रकबा बढ़ने के साथ अंतिम समय में भरपूर पानी की उपलब्धता से इस साल काला नमक धान के बंपर पैदावार के आसार हैं। खेतों में लहलहाती फसल को देखकर कृषि वैज्ञानिक अनुमान लगा रहे हैं कि काला नमक धान का उत्पादन दोगुना हो सकता है। भौगोलिक सूचकांक वाले गोरखपुर बस्ती व देवीपाटन मंडलों के 11 जिलों में काला नमक धान का क्षेत्रफल 70,000 हेक्टेयर में पहुंच चुका है, जबकि 5 साल पहले यह सिमट कर करीब 10,000 हेक्टेयर तक रह गया था। रकबे में इस वृद्धि का श्रेय योगी सरकार को जाता है। एक जिला एक उत्पाद ODOP योजना में शामिल किए जाने के बाद इसकी ब्रांडिंग के कारण किसानों का रुझान काला नमक की खेती की तरफ तेजी से बढ़ा। इस साल सिद्धार्थनगर जिले में 12,000 हेक्टेयर, गोरखपुर में 10,000, बस्ती में 9,000, कुशीनगर में 8,000, महाराजगंज में 8,000, देवरिया में 7,000, संतकबीर नगर में 6,000, बहराइच में 4,000, गोंडा में 4,000, बलरामपुर में 3,000 तथा श्रावस्ती में 2,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में काला नमक धान की खेती हुई है। इन जिलों के अलावा अयोध्या और बाराबंकी के किसानों ने भी काला नमक धान की खेती के प्रति उत्साह दिखाया है। कृषि और खास तौर पर काला नमक धान के क्षेत्र में शोध अनुसंधान करने वाली संस्था पार्टिसिपेटरी रूरल डेवलपमेंट फाउंडेशन PRDF की टीम ने सर्वे के बाद यह अनुमान लगाया है कि इस साल काला नमक की अब तक के रिकॉर्ड पैदावार होगी। टीम ने यह अनुमान फसल की बालियों की औसतन 30 सेंटीमीटर लंबाई देखकर लगाया है। काला नमक की 4 प्रजातियों KN3, बौना काला नमक 101, बौना काला नमक 102 तथा काला नमक किरण किसानों के खेतों में लहलहा रही है। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर RC चौधरी का कहना है कि इस साल काला नमक की खेती करने वाले किसानों की आमदनी गत वर्षों की तुलना में तिगुनी तक हो सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यही मंशा भी है कि किसानों की आय में अभूतपूर्व इजाफा हो। डॉक्टर चौधरी काला नमक की खेती के संरक्षण और संवर्धन के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा
शुरू की गई ODOP योजना को बेहद महत्वपूर्ण मानते हैं। उनका कहना है कि करीब 3000 साल पुराने बुद्धकालीन काला नमक चावल को इसके मूल स्थल सिद्धार्थनगर की ODOP में शामिल कर इसकी खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया, काला नमक महोत्सव का आयोजन हो या फिर मेहमानों को इस चावल को गिफ्ट के रूप में देना, इसकी जबरदस्त ब्रांडिंग की। अब तो सिद्धार्थनगर में काला नमक के लिए कॉमन फैसिलिटी सेंटर CFC की स्थापना भी हो गई है। पड़ोसी के घर तक पहुंचने वाली खुशबू, बेजोड़ स्वाद एवं पौष्टिकता के लिहाज से आप काला नमक चावल को दुनिया का श्रेष्ठतम चावल माना जाता है। बुद्ध के प्रसाद के रूप में विख्यात काला नमक चावल अपने निहित पोषक तत्वों के चलते उपभोक्ताओं की पहली पसंद बनेगा। काला नमक में अन्य प्रजाति के चावल की तुलना में 3 गुना अधिक आयरन, 4 गुना अधिक जिंक के साथ ही प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। कम ग्लूकोज के कारण इसे मधुमेह के रोगी भी भरपेट खा सकते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में IMA के सहयोग से दीवानी न्यायालय परिसर में फ्री हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी ने फीता काट कर किया। इस दौरान जनपद न्यायाधीश ने अपना हेल्थ चेकअप करवाया, जिसके संबंध में जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी ने बताया कि IMA के द्वारा न्यायालय परिसर में फ्री हेल्थ कैंप लगाया गया है, जिसमें सभी न्यायाधीश, बार एसोसिएशन के पदाधिकारी, अधिवक्ताओं का फ्री चेकअप किया गया। डॉक्टरों द्वारा चेकअप करके दवाइयाँ दी गई हैं। उन्होंने बताया कि IMA द्वारा कहा गया है कि यहां पर उनका एक प्रतिनिधि मंडल रहेगा, जो कि आकस्मिक स्थिति में न्यायालय के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीय, अपर जनपद न्यायाधीश नवल किशोर सिंह, IMA के अध्यक्ष डॉक्टर शिव शंकर शाही सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी ने कहा, आज के शिविर में साई साहब क्या विशेष रहेगा? सर आज मल्टीपल 8 तारीख को आपका मशीन एक आएगा, वो बता रहे थे। कुछ होने वाला है आगे, यही पर सर मेरा प्रॉब्लम है, सीतापुर आए हैं सर, मैं सुबह 9 से 12 बजे डेली मंडे फ्राइडे 3 घंटे के लिए मैं अनुरोध करूंगा आपसे कि हमारे बाहर के बहुत सारी घटनाएं हो गई डॉक्टर साहब। भैया आइए, देख जाइए, देख लेंगे आप आगे। हम मिलजुल के 5 आदमी हैं, 5 चला गया सर। कितने लोगों की शुभकामनाएं हैं जो भैया ये भी तक हाँ, IMA के डॉक्टर शाही साहब ने अपनी टीम के साथ यहाँ कैंप लगाया है। बार के अधिवक्ता गण, न्यायिक अधिकारी गण, कर्मचारी गण, वादकारी गण जो भी यहाँ आएंगे, उनका आज फ्री में चेकअप होगा। जो भी
दवाइयां इनके पास उपलब्ध हैं वो उपचार दी जाएंगी, और भविष्य में भी इनके तरफ से आश्वस्त किया गया है कि यहाँ वो उनका एक प्रतिनिधिमंडल रहेगा, जो आकस्मिक स्थिति में किसी को बहुत ऐसी आवश्यकता पड़ गई, एमरजेंसी है, तो उसमें वो उनकी सहायता करेंगे, उपचार करेंगे। कितना लाभ मिलेगा सर उसके अंतर्गत? ये आने वाला वक्त बताएगा कितना लाभ मिल रहा है। अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारियों पर जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने कहा, सभी वार्डो में बीएलओ द्वारा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के सहयोग से नाम बढ़ाने का चल रहा है कार्य। 18 नवंबर तक मतदाता सूची की फाइनल सूची को किया जाएगा जारी। गोरखपुर के राजघाट थाने में बैरक की छत से गिरकर सिपाही अभिषेक कुमार सिंह की हुई मौत। साथ ही सिपाहियों ने भिजवाया हॉस्पिटल, डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। एडीजी, डीआईजी व एसएसपी ने घटना स्थल का किया निरीक्षण, कहा शव को कब्जे में लेकर भेजा गया है पोस्टमार्टम के लिए, रिपोर्ट आने के बाद की जाएगी आगे की कार्यवाही। डेंगू के मरीजों की जनपद में लगातार बढ़ रही है संख्या। अभी तक कुल मिले 123 डेंगू के मरीज। सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, एलाइजा टेस्ट पॉजिटिव होने से होता है डेंगू, नहीं है प्लेटलेट्स कम होना या ज्यादा होना डेंगू का लक्षण। मच्छर के काटने से बचे, करें मच्छरदानी का प्रयोग, पहने फुल आस्तीन का कपड़ा। नवंबर को आयोजित होने वाले मेगा लीगल कैंप की तैयारियों को लेकर सीडीओ संजय कुमार मीणा ने अधिकारियों के साथ की बैठक, कहा 8 नवंबर को कोई भी नागरिक प्रेक्षागृह में आकर रजिस्ट्रेशन करवाकर शासन की योजनाओं का ले सकता है लाभ। इस साल काला नमक धान के बंपर पैदावार होने के हैं आसार। कम ग्लूकोज के कारण मधुमेह के रोगी भी भरपेट खा सकते हैं काला नमक चावल। भौगोलिक सूचकांक वाले 11 जिलों में 70,000 हेक्टेयर रकबे में हुई है काला नमक की खेती। किसानों की आय इस वर्ष 3 गुनी तक होने की है उम्मीद। दीवानी न्यायालय परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आईएमए के सहयोग से आयोजित फ्री हेल्थ कैंप का जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी ने फीता काट कर किया शुभारंभ, करवाया खुद का हेल्थ चेकअप, कहा समय पर हेल्थ चेकअप करवा कर रह सकते हैं स्वस्थ। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश की अध्यक्षता में जिला उद्योग बंधु की समीक्षा बैठक हुई संपन्न। उद्यमियों की समस्याओं को गुणवत्ता युक्त समयबद्ध ढंग से निस्तारण सुनिश्चित करने को संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश। एडीजी जोन अखिल कुमार ने यातायात पुलिस द्वारा आयोजित जागरूकता बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर यातायात माह का किया शुभारंभ, कहा यातायात माह में यातायात पुलिस आम जनता को यातायात नियमों के बारे में करे जागरूक। डेंगू के डंक ने मलेरिया, फाइलेरिया और कालाजार को छोड़ा पीछे। जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में बने डेंगू वार्ड का जिला अस्पताल के एसआईसी ने किया निरीक्षण, कहा पर्याप्त मात्रा में दवाइयां, बेड, मच्छरदानी, स्पेशल डॉक्टर हैं उपलब्ध, बढ़ाई गई है बेडों की संख्या। और स्वर्गीय कांता प्रसाद राय की स्मृति में जिला वॉलीबॉल चैंपियनशिप का किया गया आयोजन। जिला चैंपियनशिप में जनपद के प्रतिभागी खिलाड़ियों में से ही जिला टीम में होंगे सेलेक्ट खिलाड़ी, जो मऊ में होने वाले स्टेट वॉलीबॉल चैंपियनशिप में करेंगे प्रतिभाग। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने विकास भवन सभागार में आयोजित जिला उद्योग बंधु की समीक्षा बैठक के जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि उद्यमियों की समस्याओं का गुणवत्ता युक्त समयबद्ध ढंग से निस्तारण सुनिश्चित करें तथा बैठक में संबंधित अधिकारी स्वयं प्रतिभाग करें। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उद्यमियों की समस्याओं के निराकरण हेतु उद्योग बंधु का गठन किया गया है। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य उद्यमियों तथा विभिन्न विभागों के मध्य सीधा संवाद एवं समन्वय स्थापित करना, उद्यमियों की समस्याओं का निराकरण तथा अधिकाधिक औद्योगिक निवेश को आकर्षित करना है। उन्होंने क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया। गीडा क्षेत्र में औद्योगिक पार्कों की प्रगति के संबंध में समीक्षा के दौरान बताया गया कि इस क्षेत्र में गारमेंट पार्क, आईटी पार्क, होटल मैनेजमेंट, फ्लैटेड फैक्ट्री, बिजनेस कॉरिडोर, कैंसिलेशन एवं अलॉटमेंट ऑफ वैकेंट
लैंड इन गीडा, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट प्लान आदि मामले प्रस्तावित हैं। फ्लैटेड फैक्ट्री के संबंध में बताया गया कि गीडा के सेक्टर 13 में इस फैक्ट्री की स्थापना प्रस्तावित है, जिससे छोटे उद्यमियों को निर्मित भू क्षेत्र उपलब्ध होकर त्वरित गति से इकाई स्थापना का अवसर प्राप्त होगा। इस योजना में 80 फैक्ट्रियों के लिए स्थान उपलब्ध हो सकेगा और समस्त आवश्यक अवस्थापना सुविधाएँ उपलब्ध रहेंगी। इसमें लगभग 2000 लोगों को सीधे तौर पर रोजगार मिल सकेगा। इंडस्ट्रियल बिजनेस कॉरिडोर लिंक एक्सप्रेस के संबंध में बताया कि गोरखपुर अंचल में औद्योगिक विकास हेतु लिंक एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ औद्योगिक गलियारा स्थापना प्रस्तावित है। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए कि कार्य में तेजी लाकर समयबद्ध ढंग से योजना को पूर्ण करें। निवेश मित्र पोर्टल की समीक्षा के दौरान बताया गया कि 15 आवेदन लंबित हैं, जिसमें 3 मामले GDA, 4 पिकअप, 1 खाद्य सुरक्षा, 1 स्वास्थ्य, 6 राजस्व एवं 1 विद्युत विभाग में लंबित है। पोर्टल पर लंबित आवेदन पत्रों के शीघ्र निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश जिलाधिकारी ने दिए। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद आदि की विस्तृत समीक्षा करते हुए निर्धारित लक्ष्य 100% समयबद्ध ढंग से पूर्ण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। बैठक में SSP डॉ. गौरव ग्रोअर, SP श्री कृष्ण कुमार विश्नोई, SP ट्रैफिक डॉ. महेंद्र पाल सिंह, प्रशिक्षु IPS मानुष पारिक, GDA VC महेंद्र सिंह तंवर, ADMCT विनित कुमार सिंह, CDO संजय कुमार मीना सहित संबंधित विभागों के अधिकारीगण तथा उद्यमी बंधु उपस्थित रहे। काफी लोग सर उसका लैंड यूज चेंज कर रहे हैं, सब भी है तो चाह रहे हैं कि ऐसी व्यवस्था हो कि उसका लैंड यूज ना चेंज हो। तो DDA भी जो प्लॉट बेचता है उसमें सर एक्चुअली देखिए हमें अगर इंडस्ट्रीज है अर्बन एरियाज में नॉन प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री 40% डिस्काउंट भी तो रहता है। नहीं है ना सर, नहीं है साहब, अभी तो हम लोग बहुत ज्यादा अंतर है सर इसमें 40% रहता है। ये अगर कम होगा तो साहब ये छोटे छोटे आप गीडा के बराबर तो आप नहीं एक्सपेक्ट कर। DDA का जो मतलब जो डेवलपमेंट अथॉरिटी की लैंड बेचती है उसमें भी ये लोग बहुत नॉमिनल शुल्क लेते हैं, 100 रुपये मीटर, 50 रुपये मीटर लेते हैं। लेकिन जो प्राइवेट लैंड पे खर्चा पास होता है एक बार हम लोग वर्कआउट कर लेते हैं 20 या 40% का GO है, हो सकता है इनके बोर्ड में अडॉप्ट नहीं किया गया, तो अगर नहीं हुआ होगा तो चेक करा मीटिंग हम लोग कर लेते हैं। गीडा और GDA का जो जी डिफरेंस है ये जो ये हॉस्पिटल वगैरह है इसके जस्ट पास से जो लैंड है आपको बंदा ये सारी इंडस्ट्रियल लैंड है जिस पे इलीगल कॉलोनी बन रही है। यातायात माह का शुभारंभ ADG जोन अखिल कुमार ने पुलिस लाइन से यातायात पुलिस द्वारा आयोजित जागरूकता बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया तथा ट्रैफिक पुलिस ने हाथों में जागरूकता के लिए बाइक से पुलिस लाइन से निकलकर काली मंदिर, गोलघर, कचहरी चौक, शास्त्री चौराहे से वापस पुलिस लाइन में समाप्त हुआ। इस संबंध में ADG जोन अखिल कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश पुलिस नवम्बर माह में यातायात माह मनाती है। उन्होंने कहा कि यातायात पुलिस इस यातायात माह में अधिक से अधिक स्कूलों में जाकर यातायात के बारे में बच्चों को बताए और आम जनता को यातायात नियमों के बारे में बताए तथा जागरूक करे। रोड पर बाएं लेन की तरफ बैरियर इस माह में लगाने की कोशिश की जाएगी। इसके साथ ही साथ बस और टैक्सी स्टैंड को प्राथमिकता पार्किंग स्थलों का शहर से बाहर चिन्हित करके एवं वेंडरों को वेंडिंग जोन में व्यवस्थापित कराना होगा। इस अवसर पर SSP गौरव ग्रोअर, SP नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी, SP ट्रैफिक डॉ. महेंद्र पाल सिंह, नगर निगम प्रवर्तन दल प्रभारी कर्नल CP सिंह, CO कैंट श्याम देवबिंद एवं यातायात निरीक्षक मनोज कुमार राय सहित अन्य ट्रैफिक पुलिस मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ADG जोन अखिल कुमार ने कहा प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश पुलिस ट्रैफिक माह के रूप में मनाती है और इस वर्ष आज हम लोग खड़े हैं, आज 1 नवंबर है और ट्रैफिक माह का प्रारंभ हो रहा है, उसके शुभारंभ पे हम यहाँ उपस्थित हैं। हमें कोशिश करना है ट्रैफिक को
जो इम्प्रूवमेंट है शहर गोरखपुर में और देहात क्षेत्र दोनों जगह, यहाँ हम क्या कमियाँ रह गई, आपने देखा काफ़ी सुधार हुई है ट्रैफिक में। एक समय था मुझे याद, एक डेढ़ साल पहले मैं जब यहाँ आया था तो हर एक सोमवारी जाम के नाम से खबर छपती थी, आज सोमवारी जाम गायब हो गया है शहर से। ये क्रेडिट आप लोगों को जाता है, ITMS को जाता है और पूरी गोरखपुर पुलिस की टीम को जाता है। जो भी यहाँ पे टीम लगी है, आपको हम लोगों ने जोन लेवल से भी करीब 150 अन्य लोग स्पेशल ड्यूटी रिजर्व करके भी दिया है जो ट्रैफिक में आपको असिस्ट करते हैं। अब हम लोगों को ट्रैफिक में आप जो ये महीना है ज़रूरी है कि हम एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। एजुकेशन में आप नागरिकों को एजुकेट करें, बच्चों को एजुकेट करें, स्कूलों में एजुकेट करें, ये ज़रूरी है। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रैफिक में। हम लोग को सेल्फ डिसिप्लिन लाना है और ये सेल्फ डिसिप्लिन आपको सिखाना पड़ेगा। दूसरा, एजुकेशन के साथ जो इम्पोर्टेंट रोल पुलिस का आ जाता है वो इन्फोर्समेंट का होता है। इन्फोर्समेंट के करते वक्त आपको संयम की व्यवहार रखना। SP ट्रैफिक साहब के लिए विशेष रूप से दो विषय में SSP साहब दोनों हैं, मैं अनुरोध करूँगा। एक तो शहर में जो हम लोगों ने एक प्रस्ताव रखा है जिला प्रशासन के साथ कि जो पार्किंग स्थान है बसेस की और टैक्सीज को शहर के थोड़े बाहर ले जाने के लिए, अभी वो जगह स्थापित नहीं हुई है, उस पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है। इस माह में कई जगह वेंडिंग जोन्स बन गए हैं लेकिन वेंडिंग जोन्स का प्रयोग नहीं हो रहा है। तो CPC कर्नल साहब, नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस और सिटी पुलिस मिलके ये दो काम मेजर काम है जो मुझे लगता है कि काफ़ी प्रयास के बाद इसमें अभी हमें सफलता नहीं मिली है। इस माह हम उसको टारगेट करें कि सफल बनाए। ट्रैफिक में जो बुलेवार्ड्स लगने हैं डायरेक्शन के लिए नगर निगम के सहयोग से, वो लगाने की कोशिश की जाए चौराहों पर। और ये थोड़े बड़े मुद्दे रहेंगे और बाकी जो हमारे ट्रेडिशनल मुद्दे होते हैं वो हम लोग करते रहें। आप लोग पूरे मनोयोग से लगिए, एक अच्छी साफ स्वच्छ छवि के साथ आप ट्रैफिक सप्ताह मनाएं। नवंबर माह में परंपरागत रूप से उत्तर प्रदेश पुलिस हमेशा से यातायात माह मनाती रही है। आज भी हम लोग उसी यातायात माह का औपचारिक शुरुआत किया है। यातायात एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और हाल के विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें काफ़ी विशेष प्रयास करने के लिए कहा है।
उस क्रम में गोरखपुर पुलिस ने बहुत अच्छे काम किए हैं, जो SSP साहब हैं, SP ट्रैफिक हैं, उन्होंने बड़े अच्छे काम और इनिशिएटिव्स लिए हैं। हमें ज़रूरी है कि उसको बिल्ड करने की ज़रूरत है, अगले नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की ज़रूरत है। और इस माह में हम लोग प्रयास करेंगे कि सभी ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन पर फोकस करें, हम लोग एजुकेशन में स्कूल्स में जाकर लोगों को एजुकेट करें, क्योंकि बच्चे एजुकेट होंगे तो जनरेशन एजुकेट होगा। तो एजुकेशन पर फोकस करेंगे हम लोग, इन्फोर्समेंट पर फोकस होगा। इन्फोर्समेंट में अच्छी बात है कि जब से हमारे पास ITMS और CCTV कैमरा आया है, और साथ साथ अब हम त्रिनेत्र में भी कई जगह कैमरे लग गए हैं, तो ट्रैफिक में डिसिप्लिन ऑटोमेटिक बेटर हो गया है। ट्रैफिक चौराहों पे लेफ्ट टर्न के लिए कुछ हम लोगों ने जो हमारे बैरियर्स होते हैं वो हम लोगों ने मांगे हैं, वो लगाने के हम लोग कोशिश करेंगे इस माह में। साथ ही साथ दो प्रमुख मुद्दे हैं गोरखपुर में, एक तो है कि जो टैक्सी और बस स्टैंड्स हैं उसको रेगुलराइज करके स्थान चिन्हित करने के लिए हम लोग ने जिला प्रशासन को लिखा है, उस पर हम लोग प्रयास करके जिला प्रशासन के साथ इस माह में उसको शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ कुछ वेंडिंग जोन्स हैं जो बनाए हैं नगर निगम ने, लेकिन वो इन्फोर्स नहीं हो पाया, वो इन्फोर्स करने की आवश्यकता है, जिसमें नगर निगम, स्थानीय पुलिस और ट्रैफिक पुलिस सबको एकजुट होकर कार्य करने की आवश्यकता है। अगर इन सब चीज़ों को अगर हम कर लें तो मुझे उम्मीद है कि हम एक माह में और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए स्थिति में होंगी। अच्छी बात यह है कि ADG ट्रैफिक जो पूरे उत्तर प्रदेश का नोडल ऑफिसर हैं और एक उनके पास लार्जर पिक्चर है, वो भी कल आ रही हैं और वो भी रिव्यू करेंगे। मुझे उम्मीद है उनके भ्रमण से भी हमें इस दिशा, इस अभियान में एक नई दिशा और नई स्फूर्ति मिलेगी। थैंक यू। जनपद में तेजी से बढ़ रहे डेंगू के डंक का खतरा और भी बढ़ता जा रहा है। डेंगू ने मलेरिया, फाइलेरिया और कालाजार को पीछे छोड़ दिया है। इसका आंकड़ा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि मंगलवार को जिला अस्पताल के SIC डॉक्टर राजेंद्र ठाकुर ने इमरजेंसी वार्ड में बने डेंगू वार्ड का निरीक्षण किया तथा मरीजों का हालचाल लिया, जिसके संबंध में SIC डॉक्टर राजेंद्र ठाकुर ने बताया कि डेंगू को देखते हुए जिला अस्पताल में पूरी मुस्तैदी के साथ तैयारी किया गया है। इसमें दोनों के लिए अलग वार्ड बनाया गया है। वार्ड में पहले 10 बेड थे, लेकिन अब बेडों की संख्या बढ़ा दी गई है। पर्याप्त मात्रा में दवाइयां, बेड, मच्छरदानी, स्पेशल डॉक्टर उपलब्ध हैं, जो लगातार मरीजों को आकर देख रहे हैं, और जो बुखार, खांसी, सर्दी के मरीज आ रहे हैं उनकी लगातार जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि जिला अस्पताल में डेंगू के 83 मरीज आए थे, जिनमें से 58 मरीज पॉजिटिव पाए गए थे और 18 मरीज भर्ती किए गए थे। जैसे जैसे मरीज ठीक हो रहे हैं उनके घर भेज दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नदी का जलस्तर कम होने के कारण जिला अस्पताल में डायरिया के ज्यादा मरीज आ रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला अस्पताल के SIC डॉक्टर राजेंद्र ठाकुर ने कहा, बोलिए भाई जाए, आप लोग थोड़ा बाहर चले जाइए प्लीज, बाहर चले जाइए बाबा, आप थोड़ा सा चले जाइए, आ जाइए इधर, आ जाइए बाबू। देखिए सर, ये पूरे राजेश बताइए कौन कौन, ये देखिए हमारे फिजिशियन साहब हैं डॉक्टर राजेश कुमार जी। देखिए सर, ये है ठीक हो, कुछ खाई हो, नहीं हुआ है, ठीक है, थोड़ा प्लेटलेट का जांच किया है, ठीक है, नॉर्मल आ गया, ठीक है, चार्जिंग हुआ है, ठीक है, प्लेटलेट रानी करवा रहे हैं। इसके बाद इस पे आइए सर। राजेश जी, ये पेशेंट कहाँ गए सिस्टर?
अच्छा डेंगू पॉजिटिव थी सर, ये फीवर हेडेक लेके आई थी आपका अम्मा जी, फीवर जनरलाइज करके आई थी, डेंगू अच्छा डेंगू में इम्प्रूवमेंट है, फीवर वगैरह लेके आई थी सर, डेंगू जांच की गई पॉजिटिव था, एडमिट कर भाई बुखार चल कर कमर दर्द लेकर के आ रहे हैं अरे यार मच्छर काट रहा, वही मच्छर तुमको काटेगा, उसको काट कर बीमारी फिर फैला दो, ऐसे मत करो, इधर आओ इधर दिखाओ बाबू जाओ, कोई नहीं सर, डिस्चार्ज मिलेगा, ये डिस्चार्ज हो गया लास्ट में, चला गया घर। सर डेंगू को लेके हम लोग पूरी मुस्तैदी से तैयारी कर चुके हैं सर, और हम लोगों ने अलग वार्ड भी कर दिया है, पहले 10 वार्ड बेड था हमारे पास और हम लोगों ने बढ़ा दिया है, और पर्याप्त दवाइयां हमारे को मिल रही हैं, और जो बुखार सर्दी खांसी के मरीज आ रहे थे उनमें हम लोगों ने स्क्रीन आउट किया, 83 हमारे पास आए थे इंडोर और ओपीडी दोनों में, जिसमें आपको हमारे पास 58 पॉजिटिव पाए गए और 15 वेटेड हैं सर अभी, और जिसमें 18 मरीज भर्ती किए गए थे, और बाकी जो कुछ कुछ ठीक हो रहे जा रहे हैं हमारे यहाँ से, सभी लोगों का सहयोग है सर, पेशेंट भी जागरूक हो गए हैं, तो मरीजों के लिए तो सर आप सारी दवाइयाँ हैं, मरीजों के लिए बेड हैं, मरीजों के लिए मच्छरदानियाँ हैं, मरीजों के लिए स्पेशल डॉक्टर हैं, सारे डॉक्टर हमारे जो फिजिशियन हैं जो उन पे स्पेशलिस्ट हैं वो सब आके देख रहे हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ के लिए सर, और अगल बगल जो पानी उनी जमता था हम लोगों ने पूरा बच बचाव करवा दिया है सब चीज़ों से, किसी भी प्रकार की कोई बीमारी इंटर ना करें यहाँ पर कोशिश किया जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ डायरिया वोमिटिंग जो बाढ़ अभी आई थी उसके चलते डायरिया वोमिटिंग के भी आ रही है, तो उसमें हम लोग थोड़ा सा स्क्रीन आउट कर करके कर रहे हैं, बेड हमारा पूरा फुल हो गया है सर, और किस बीमारी की ज़्यादा मरीज आ रहे सर, जिला अस्पताल इस वक्त जो आ रहे हैं वो डायरिया वॉमिटिंग से ज़्यादा मरीज आ रहे हैं सर, उसी में जो बुखार सर्दी है उसी में हम लोग स्क्रीन आउट करते हैं, फिर देखते हैं सर्दी बुखार उखार है तो उनको कोशिश करते हैं कि ठीक हो या नहीं ठीक होते हैं, एक दो दिन के अंदर ला के भर्ती कर दिया जाता है उनको, फिर उनको टेस्ट कर लेते हैं हम लोग तुरंत, अगर डेंगू पॉजिटिव है तो मैं उनको एडमिट कर देता हूँ, और हमारे जो डॉक्टर भाई हैं लोग वो लोग देखते हैं फिजिशियंस वगैरह और ओपीडी से, बस यही है सर। स्वर्गीय कामता प्रसाद राय की स्मृति में जिला वॉलीबॉल चैंपियनशिप का रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि महापौर सीताराम जायसवाल ने मैच का उद्घाटन फीता काट कर किया तथा उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि दी, जिसके संबंध में महापौर सीताराम जायसवाल ने बताया कि स्वर्गीय कामता प्रसाद राय की स्मृति में जिला स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें जनपद के दो टीम ने मिलकर खेला, उन्होंने कहा कि ऐसा कार्यक्रम बहुत ही कम देखने को मिलता है जो अपने किसी परिवार के नाम पर किसी कार्यक्रम का आयोजन करता है, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। वहीं स्वर्गीय कामता प्रसाद राय के बड़े पुत्र गजेंद्र राय ने बताया कि यह वॉलीबॉल प्रतियोगिता मऊ जनपद में स्टेट चैंपियनशिप होना है, उसी उपलक्ष्य में स्वर्गीय कामता प्रसाद राय की स्मृति में जिला चैंपियनशिप प्रतियोगिता किया गया है, इस प्रतियोगिता में जनपद के खिलाड़ी प्रतिभाग किए, इनमें से टीम सिलेक्ट करके जिला मऊ में स्टेट चैंपियनशिप प्रतिभाग करेंगे, उन्होंने कहा कि खेल ही ऐसा ग्राउंड है जहां पर एकता और शरीर का विकास होता है और खेल से बढ़कर कोई दूसरा स्थान नहीं हो सकता, उन्होंने कहा कि जितना लड़कों का महत्व होता है उतना ही लड़कियों का भी महत्व होता है, लोगों को लड़कियों को भी खेल के
ग्राउंड में लाना चाहिए। इस अवसर पर एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई, भाजपा नेता भानु प्रकाश मिश्रा, धर्मशाला पार्षद बबलू प्रसाद गुप्ता, पार्षद अजय राय, थाना कैंट प्रभारी शशिभूषण राय सहित अन्य खिलाड़ी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए स्वर्गीय कामता प्रसाद राय के पुत्र गजेंद्र राय एवं महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, लेकिन आपको कई जगह जाना है। अब उत्तर प्रदेश वॉलीबॉल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष श्री बैजनाथ मिश्रा जी से आप क्यों के क्षेत्र में हो रहा है सब लोग से निवेदन है, अनुरोध है पर पुष्पांजलि अर्पित करके रुक जाइएगा बाबूजी। ठीक है ठीक है, बस इसे खोलिए, छोड़िए। इतनी आटी है सर, अरे एक ही बात, अरे एक ही बात। कितना दिन से खेलते हो बार बार? आप स्मैश कौन करता है? कितना दिन से खेलते हो? छह साल। आपके पूरे कार्यकाल से बेचारा खेल रहा है। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट यार, बढ़िया रहेगा। आप मारी देगा, आप मारी। काउंटर मिलिए मिलिए। और नेट में मार और ये पास कर दिया, बाल मारते हैं बहुत अच्छे और बहुत ही सुंदर बाल। सुंदर सर्विस और बाल को रिसीव हुई और ये सुंदर सर्विस और बाल को रिसीव किया और गड़बड़ी हुई है और आ गई है बाल पीछे। बहुत ही अच्छा पास गोलू का और उतना ही अच्छा आंकिर भाई के बाद ही अच्छा बाल बनते हुए काउंटर खिलाड़ी को ले ये बहुत और ये बहुत ही अच्छा था। 7-14 और ये प्लेसमेंट दिया गया। कभी कभी मेरा नाम गजेंद्र राय है। ये मऊ जनपद में स्टेट चैंपियनशिप होने वाला है, उसी उपलक्ष्य में स्टेडियम में आज जिला चैंपियनशिप प्रतियोगिता हो रही है। स्वर्गीय कामता प्रसाद राय जो पुलिस बल इंस्पेक्टर थे और वीरगति को प्राप्त हुए शहीद हुए थे, उन्हीं की स्मृति में ये वॉलीबॉल का आयोजन किया जा रहा है जिसमें गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट के खिलाड़ी प्रतिभाग किए हैं और इन्हीं में से टीम सेलेक्ट होगी जो गोरखपुर जिले तरफ से जो मऊ में स्टेट चैंपियनशिप होने वाला है उसमें प्रतिभाग करेगी और प्रतियोगिता समापन किया जाएगा। मैं स्वर्गीय कामता प्रसाद राय, मैं उनका पुत्र हूँ
और मैं भी पुलिस विभाग में ही हूँ और पिताजी की स्मृति में ही यह आयोजन किया जा रहा है। आयोजन मकसद यह है कि एक खेल ही ऐसा ग्राउंड है जहाँ पर लोगों में एकता का विकास होता है, आपसी समझता का विकास होता है और इसके लिए ये खेल से बढ़कर कोई स्थान नहीं हो सकता है। क्या देना चाहेंगे बाकी बाकी हम सबसे कहेंगे कि यह हम आयोजन लड़कियों के लिए भी है। लोग लड़कियों को पर्दों के पीछे रखते हैं, ग्राउंड नहीं लाते हैं। आप अपने जितना लड़कों को महत्व दे रहे उतना लड़कियों को महत्व दीजिए ताकि वो भी खेल के मैदान में आएँ और अपना एक स्थान प्राप्त कर सकें। ओरिजिनल स्टेडियम में कमता प्रसाद राय जी के स्मृति में यहाँ पर वॉलीबॉल प्रतियोगिता आयोजित की गई है। इसमें होनहार खिलाड़ी गोरखपुर के दो टीमों में बंट करके एक खेल लायक और ये वॉलीबॉल गेम कल तक चलेगा, कल समापन होगा। इसमें हमारे मुख्य रूप से एसपी सिटी साहब, हमारे पार्षद यहाँ पर क्षेत्रीय पार्षद राज जी छठेलाल जी यहाँ पर उपस्थित हैं और आयोजक धीरेन्द्र राय जी जो गोलघर और चौकी इंचार्ज हैं और तमाम हमारे पुलिस के अधिकारी छठ घाट पर इतनी मेहनत किए हैं और आज इस कार्यक्रम में उपस्थित है। मैं सभी खिलाड़ियों को, पुलिस प्रशासन को और आयोजक मंडल को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। एक बहुत ही अच्छी बात है, योग्य पुत्र अपने परिवार के किसी न किसी व्यक्ति के नाम पर किसी कार्यक्रम का आयोजन करता है, ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं और मैं धीरेन्द्र राय जी को तारीफ करूंगा कि अपने पूर्वजों की स्मृति में इस तरह का गेम करा रहे हैं। ये सभी को इस तरह का आयोजन करना चाहिए जिससे पूर्वजों का सम्मान बढ़ता है, परिवार में एकता बढ़ती है, समाज में एक अच्छी पहल होती है। मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारियों पर जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने कहा सभी वार्डों में बीएलओ द्वारा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के सहयोग से नाम बढ़ाने का चल रहा है कार्य। 18 नवंबर तक मतदाता सूची की फाइनल सूची को किया जाएगा जारी। गोरखपुर के राजघाट थाने में बैरक की छत से गिरकर सिपाही अभिषेक कुमार सिंह की हुई मौत। साथ ही सिपाहियों ने भिजवाया हॉस्पिटल, डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। एडीजी, डीआईजी व एसएसपी ने घटना स्थल का किया निरीक्षण, कहा शव को कब्जे में लेकर भेजा गया है पोस्टमार्टम के लिए, रिपोर्ट आने के बाद की जाएगी आगे की कार्यवाही। डेंगू के मरीजों की जनपद में लगातार बढ़ रही है संख्या। अभी तक कुल मिले 123 डेंगू के मरीज। सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा एलाइजा टेस्ट पॉजिटिव होने से होता है डेंगू, नहीं है प्लेटलेट्स कम होना या ज्यादा होना डेंगू का लक्षण। मच्छर के काटने से बचे, करें मच्छरदानी का प्रयोग, पहने फुल आस्तीन का कपड़ा। नवंबर को आयोजित होने वाले मेगा लीगल कैंप की तैयारियों को लेकर सीडीओ संजय कुमार मीणा ने अधिकारियों के साथ की बैठक, कहा 8 नवंबर को कोई भी नागरिक प्रेक्षागृह में आकर रजिस्ट्रेशन करवाकर शासन की योजनाओं का ले सकता है लाभ। इस साल काला नमक धान के बंपर पैदावार होने के हैं आसार। कम ग्लूकोज के कारण मधुमेह के रोगी भी भरपेट खा सकते हैं काला नमक चावल। भौगोलिक सूचकांक वाले 11 जिलों में 70,000 हेक्टेयर रकबे में हुई है काला नमक की खेती। किसानों की आय इस वर्ष 3 गुनी तक होने की है उम्मीद। दीवानी न्यायालय परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आईएमए के सहयोग से आयोजित फ्री हेल्थ कैंप का जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी ने फीता काट कर किया शुभारंभ, करवाया खुद का हेल्थ चेकअप, कहा समय पर हेल्थ चेकअप करवा कर रह सकते हैं स्वस्थ। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश की अध्यक्षता में जिला उद्योग बंधु की समीक्षा बैठक हुई संपन्न। उद्यमियों की समस्याओं को गुणवत्ता युक्त समयबद्ध ढंग से निस्तारण सुनिश्चित करने को संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश। एडीजी जोन अखिल कुमार ने यातायात पुलिस द्वारा आयोजित जागरूकता बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर यातायात माह का किया शुभारंभ, कहा यातायात माह में यातायात पुलिस आम जनता को यातायात नियमों के बारे में करे जागरूक।
डेंगू के डंक ने मलेरिया, फाइलेरिया और कालाजार को छोड़ा पीछे। जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में बने डेंगू वार्ड का जिला अस्पताल के SIC ने किया निरीक्षण। कहा, पर्याप्त मात्रा में दवाइयां, बेड, मच्छरदानी, स्पेशल डॉक्टर हैं उपलब्ध, बढ़ाई गई है बेडों की संख्या। स्वर्गीय कांता प्रसाद राय की स्मृति में जिला वॉलीबॉल चैंपियनशिप का किया गया आयोजन। जिला चैंपियनशिप में जनपद के प्रतिभागी खिलाड़ियों में से ही जिला टीम में होंगे सिलेक्ट खिलाड़ी, जो मऊ में होने वाले स्टेट वॉलीबॉल चैंपियनशिप में करेंगे प्रतिभाग। अब मुझे दे इजाजत, नमस्कार।